माई फ्रेंड पेड्रो एक शूटिंग एडवेंचर गेम है जो 20 जून 2019 को रिलीज हुई है। आप इस गेम का पूरा गेम प्ले एंड वॉक थ्रू हमारे चैनल नमो कार लाइव गेमिंग पर हिंदी कमेंट्री के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इस गेम के डेवलपर हैं डेड टोस्ट एंटरटेनमेंट एंड पब्लिशर है डेवलर डिजिटल। अगर हम बात करें इस गेम के रिव्यू की तो रिसर्च करने पर हमें पता चलता है कि ये गेम 2014 में इसी नाम से आई एडो फ्लैश गेम का रीमेक है, जिसकी डेवलपर कंपनी का नाम था एडल्ट स्विम गेम्स। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हर गेम में प्लस एंड माइनस दोनों ही पॉइंट होते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके प्लस पॉइंट की। तो फर्स्ट पॉइंट पर मैं बताना चाहूँगा कि गेम का गेम प्ले स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बहुत ही एंटरटेनिंग एंड इम्प्रेसिव है। एंड सेकेंड, गेम को चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। हर एक चैप्टर्स में बहुत से लेवल होते हैं, बट चैप्टर की एंडिंग में आपको एक बॉस फाइट करनी होती है, जो इस पूरे गेम की यूएसपी है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि जब कल हमने इस गेम की लाइव स्ट्रीम की थी, हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था और लास्ट में हमने जो फाइट की थी वो मुझे पर्सनली इतनी ज़्यादा अच्छी लगी, मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब वहाँ पे बाइकिंग सिक्वेंस है, आप जो अभी वीडियो में देख भी पा रहे होंगे, बहुत ही गजब, मतलब जिसे कहते हैं मतलब ऑसम। और आज रात को भी हम इस गेम की लाइव स्ट्रीम करेंगे अपने यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर नमोकार लाइव गेमिंग पर। अगर अभी तक आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट पर दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि इस गेम को हर एज ग्रुप का पर्सन खेल सकता है। गेम में कोई भी एडल्ट सीन नहीं है, तो बच्चे भी इस गेम को आसानी से ट्राई कर सकते हैं और उन्हें काफ़ी मज़ा आएगा। और मतलब जितने भी लोग हैं, मतलब जो एक कहा जाता है कि पूरी तरह से मतलब फुल एंटरटेनिंग गेम। जहाँ तक बात है फोर्थ पॉइंट की, तो गेम को दी एंड करने पर आपको जो भी चैप्टर्स या किसी भी चैप्टर का लेवल बहुत ज़्यादा पसंद आया हो, आप डायरेक्ट उसी को जाकर प्ले कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट पर दोस्तों मैं बता दूं कि जो जो आप लेवल कंप्लीट करते जाते हैं, लेवल कंप्लीट होने के बाद आपको रैंक दी जाती है ए बी सी डी कैटेगरी, जैसे स्कूल में भी होता है कि आपका परफॉर्मेंस कितना अच्छा रहा है इस लेवल में, तो ये हमें कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। सिक्स्थ पॉइंट पर बात करेंगे इसके प्राइस की, तो ये गेम पीसी पर ओनली 450 रुपीज़ में अवेलेबल है। निंटेंडो स्विच पर ये गेम 8 times एक्सपेंसिव है, तो ये लगभग 3000 रुपये के आसपास। तो मैं आप लोगों को स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा कि आप इस गेम को पीसी पर ही परचेस करें, और आपके अगर 4K रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है तो आपको गेम खेलने में बहुत मज़ा आएगा। जॉयस्टिक कंपेटिबल है इसके अंदर, आप कोई भी जॉयस्टिक को कनेक्ट करके इससे खेल सकते हैं। और मैं मानता हूँ कि जो पीसी पर जो प्राइस इस गेम का रखा गया है 450 रुपीज़, ये एवरी गेमर्स के बजट में है। एंड लास्ट सेवन्थ पॉइंट में दोस्तों मैं बताना चाहूँगा इस गेम की डिफ़िकल्टी के बारे में। तो जहाँ तक इसकी डिफ़िकल्टी का सवाल है, तो इसमें आपको नॉर्मल से लेकर वेरी हार्ड तक मोड दिए जाते हैं, कि जितना आप परफेक्ट होते रहो आप उतनी डिफ़िकल्टी पर इस गेम को आगे कंटिन्यू कर सकते हो, दोबारा से प्ले कर सकते हो। इस गेम को अगर कोई नॉर्मल मोड में खेलना चाहेगा तो आसानी से इस गेम का दी एंड कर सकता है। कहीं भी आपको कोई पजल नहीं मिलती, कहीं भी आपको ये गेम इरिटेट नहीं करती कि भाई आप एक जगह पर फंस गए हैं, अब आप यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे, ऐसा इस गेम में कोई पंगा नहीं है। आपको सीधा मतलब प्लग एंड प्ले वाली गेम है, आप सीधा प्ले करो और मतलब इंजॉय करो इस गेम को। और सबसे अच्छी बात यह कि एक बार जब गेम का दी एंड हो जाएगा, आपका बार बार इस गेम को खेलने का मन करेगा, क्योंकि इससे आपकी जो स्किल्स है इम्प्रूव होगी और आपको लगेगा कि यार ये किल्स मैं और अच्छे तरीके से भी ले सकता हूँ। इसके अंदर एक्शन बहुत ज़्यादा है, तो आप अलग अलग एंगल से अलग अलग वेपन्स के थ्रू एनिमीज़ को शूट कर सकते हैं, तो उसमें आपको काफ़ी मज़ा आता है। तो ये थे दोस्तों गेम के प्लस पॉइंट। अब करते हैं इस गेम के माइनस पॉइंट की बात। तो इस गेम की कोई भी स्टोरी नहीं है, ओनली गेम प्ले है, और वो भी सिंगल प्लेयर, यानी कि आप ना तो इसे मल्टीप्लेयर मोड में खेल सकते हैं और इस गेम की कोई भी आपको स्टोरी नहीं मिलेगी। एक होता है किसी गेम की, अगर हम स्टोरी की बात करें तो वो चीज़ आप इसमें कहीं ना कहीं मिस करेंगे। सेकंड पॉइंट पर ये गेम सिर्फ दो ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, पीसी एंड निंटेंडो स्विच। मुझे लगता है कि इतनी अमेजिंग गेम को PS4 एंड Xbox पर भी रिलीज़ किया जाना चाहिए था, और हो सकता है कि इन फ्यूचर ये गेम इन दोनों प्लेटफॉर्म पर भी इम्प्लीमेंट हो, अगर ये PC एंड निंटेंडो पर अच्छा रिस्पॉन्स करेगी तो। थर्ड पॉइंट पर गेम के ग्राफिक्स की बात कर लेते हैं, जो कि 2D है एक तरह से देखा जाए तो। और आजकल की जो हाई एंड ग्राफिक्स गेम बनती हैं, जो अभी हम खेलते हैं, रेजिडेंट ईविल 2 की बात करूं, डेविल मे क्राई की बात करूं, या मैक्स पेन जो 3 आई थी उसकी भी मैं बात कर लूं, उस गेम को भी लगभग 9 साल हो गए हैं, तो ये उससे कहीं ना कहीं टच नहीं करती है। छोटे बजट में बनी हुई गेम है, तो वो आप एक्सपेक्टेशन रखकर इस गेम को नहीं खेल सकते कहीं ना कहीं, नहीं तो आप डिसअपॉइंट होंगे। फोर्थ पॉइंट पर दोस्तों गेम का गेम प्ले काफ़ी छोटा है, जिससे आप वन सिटिंग में मीन्स एक साथ 3 से 4 घंटा खेलकर इस गेम को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी गेम नहीं है कि जो आपको लगे कि हाँ ठीक है यार, हमने गेम परचेस कर ली है तो हम इसे विद इन 1 week विद इन 1 month तक इंजॉय कर सकेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका मन करेगा इस गेम को बार बार खेलने का, तो आप इस गेम को रिपीट कर करके बार बार अलग अलग अंदाज में खेल सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट की बात आती है दोस्तों फिर से बजट पर, कि ये गेम कम बजट में बनी है, इसलिए इस गेम को अच्छे से प्रमोट नहीं किया गया, इसका प्रमोशन नहीं हुआ। बहुत से लोग नहीं जानते,
मोस्टली गेमर को इस गेम के बारे में पता भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि दोस्तों जो भी पीसी गेमर हैं और जिनका 500 रुपीज़ का बजट है वो इस गेम को परचेस कर सकते हैं और उनका पैसा बिल्कुल बेकार नहीं जाएगा। फिर भी आप इस गेम की जो लाइव स्ट्रीम है आप हमारे चैनल पर आकर आज ज़रूर देखिएगा। आज हम सेकेंड चैप्टर की लाइव स्ट्रीम करेंगे और हो सकता है कि अगर टाइम ज़्यादा मिला तो थर्ड फोर्थ चैप्टर भी कंप्लीट कर लें। इसके बाद हमारी प्लानिंग है जजमेंट एंड क्रैश टीम रेसिंग की, द सिंकिंग सिटी की एंड सुपर मारियो मेकर 2 जो इसी जून मंथ में रिलीज़ होने वाली है। जितनी भी लेटेस्ट कैंपेन गेम्स होती हैं वो सभी लाइव स्ट्रीम हम करते हैं अपने चैनल पर, और जो भी गेमिंग न्यूज़ होती है, गेमिंग रिव्यूज़ हैं, वो आपको नमोकार गेमिंग वर्ल्ड चैनल पर देखने को मिलते हैं। तो आप प्लीज़ दोनों ही चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको ये भी गुड न्यूज़ दे दूँ कि अब हमारी वेबसाइट भी डेवलपमेंट में है, उस पर भी काम चल रहा है, जहाँ पर आपको और भी नई नई तरह की चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी, जिससे जितनी भी बड़ी बाहर की वेबसाइट हैं वहाँ पर जो भी आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है, आर्टिकल्स प्रोवाइड कराए जाते हैं इंग्लिश में, वो हम आपको हिंदी में अपनी वेबसाइट पर प्रोवाइड कराएंगे। ओवरऑल दोस्तों जो मेरी इस गेम को रेटिंग है वो है 10 में से 9.5। मुझे काफ़ी पसंद आई ये गेम। अगर आपको भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आज रात हमारी लाइव स्ट्रीम देखने नमोकार लाइव गेमिंग पर कौन कौन आने वाला है। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के पास और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।